Hello my YouTube family, good afternoon and welcome back to our channel and welcome back to another vlog. Actually अभी शाम का 3:30 हो रहा है और दोपहर का 3:30 हो रहा है. आज मैं रेडी एकदम हूँ क्योंकि मैं अभी मयंक को लेके जा रही हूँ स्विमिंग क्लास, क्योंकि मैं आप लोगों को बोली थी ना मयंक स्विमिंग क्लास ज्वाइन करवाई हूँ, तो आज मैं अभी स्विमिंग क्लब में लेके जा रही हूँ मयंक को. फिलहाल तो मैं लेके जा रही हूँ स्कूटी, मैं चलाऊंगी, इसलिए मैं वहां पे तो ब्लॉगिंग कर नहीं पाऊंगी क्योंकि मयंक को सामने लेना पड़ता है. एक्चुअली स्कूटी के सामने मयंक को लेना पड़ता है, तो मैं वहां तो ब्लॉगिंग कर नहीं पाऊंगी. तो क्लब पहुंचती हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तो स्टे ट्यून प्लीज. हम लोग पहुंचे हैं स्विमिंग क्लब से. हेलो बेबी. मैं इनको लेके हम लोग पहुंचे हैं स्विमिंग क्लब, पहुंच गए हैं. चलिए देखते हैं. स्विमिंग क्लब से घर आने के बाद मैं चाय बैठाई हूँ सबके लिए क्योंकि मुझे बैठने का रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि आते आते थोड़ी बहुत लेट हो जाता है, 5 बज जाता है. तो मैं सबके लिए यहाँ पे चाय बना लूँगी सबसे पहले. और मैंने घर आके चेंज भी नहीं किया, मैं डायरेक्टली चाय बनाने लगी हूँ. तो यहाँ पे चाय हम लोगों की बन गई है, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं. और चाय पीने के बाद ही मैं आ गई थी ऊपर. मैं ना सुबह में कपड़ा धोई थी, मशीन लगाई थी, और मैं मतलब मुझे एक ज़रा सा भी टाइम नहीं मिला कि कपड़े को मैं फैला दूँ ऐसे. तो अभी देखिए शाम हो गया है और चाय पीने के बाद ही मैं आई हूँ. मैंने सोचा कि चलो आगे ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी, नहीं तो कपड़े ऐसे के वैसे ही मशीन में रह जाएंगे और कल सुबह में मैं सोचूंगी कि क्यों मेरा कपड़ा तो मैंने डाला ही नहीं. तो इसलिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले चाय पीने के बाद ऊपर आ गई और मशीन से कपड़ा निकाल के मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सारे कपड़े. बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे. एक्चुअली आप लोग देख ही सकते हैं कितना सारा कपड़ा इकट्ठा हो गया था. मैंने रेगुलर वॉश करती हूँ मैं, एक्चुअली 3-4 दिन का कपड़ा नहीं है, रेगुलर वॉश करती हूँ, फिर भी मेरा इतना सारा कपड़ा सारे इकट्ठे हो जाते हैं. तो चलिए ये काम तो मेरा एक लिपट गया. अभी मयंक को थोड़ा देर पहले मैं लेके आई हूँ उसका स्विमिंग क्लब से, और आने के बाद बैक टू बैक इतना सारा काम था. और कपड़े जो फैलाई थी वो ना मॉर्निंग में मैं धोई थी, पता है, मशीन लगाई थी, मेरे पास इतना सा टाइम नहीं हुआ ना कि मैं जाके उसको फैलाऊं. तो अभी आने के बाद वो वाला काम किए, चाय बनाए, उसके बाद मैं का थोड़ा होमवर्क वगैरह कंप्लीट करवाई हूँ. तो अभी आई हूँ मैं किचन में. एक्चुअली मैं डिनर बनाऊंगी, मैं आ गई हूँ, मैं डिनर बनाऊंगी, लेकिन आज ना मैं बहुत अच्छा एक रेसिपी बनाने वाली हूँ. एक्चुअली मैं आज बनाने वाली हूँ एक अप्पे करी. आप लोगों को याद होगा मैंने ये अप्पे पैन मंगाई थी, ये मैं पहले यूज कर चुकी हूँ. एक्चुअली देखिए पीछे में इसका कलर आ गया, देख रहे हैं ये सब मैं इसको पहले यूज कर चुकी हूँ. मैं मतलब नया कुछ चीज से पहले मीठा बनाना चाहिए, तो मैं इसमें एक गुलाब जामुन बनाई थी, मतलब इतना औसम बना था और इतना अच्छा बना था. मैं बिस्किट से ट्राई की थी, वो रेसिपी मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, पहली बार ट्राई था इसलिए शेयर नहीं की मैं. तो आज मैं बनाऊंगी इसके साथ एक अप्पे कड़ी, मतलब अंडा से अप्पे बनाऊंगी और अप्पे बनाऊंगी और उसका कड़ी बनाऊंगी और बहुत औसम बनता है. तो उसके साथ फुलके सेक लूंगी, बस थोड़ा मोड़ा हो जाएगा. तो चलिए मैं ज्यादा बात अभी नहीं करती हूँ, अभी मैं डिनर का तैयारी करती हूँ और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ.
सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऑनियन कट कर रही हूँ। मैं ऑनियन जो कट कर रही हूँ ना, मैंने चॉपिंग बोर्ड नहीं लिया, क्योंकि मैं जब जल्दी में रहती हूँ ना, थोड़ा हाथ ही में इस तरह से मोटा मोटा चॉप कर लेती हूँ, मतलब रफली चॉप जिसको बोलते हैं, क्योंकि इसको तो मुझे बारीकी से चॉप करना ही है क्रशर में अभी। तो मैं क्या करूँगी कि हाथों से ही मोटा मोटा चॉप कर लूँगी, तो ये जल्दी हो जाता है। और ये क्रशर जो है ना, मतलब हैंड हैंड क्रशर जो बहुत ही कन्वीनियंट है, अमेजन से आप लोग ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। बाय द वे, ये प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। तो देखिए कितना जल्दी कितना चॉप हो गया अच्छा से ऑनियन। और ये करी लिप्स मैं ऊपर से लेके आई थी, तो ये थोड़ा सा ना सूख गया, क्योंकि सुबह ही मैं लेके आई थी, तो इसलिए ऐसा हो गया है। तो ये करी लीव्स मेरा प्लांट्स का है। और यहाँ पे ना मैं जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली को मैं कूट रही हूँ, जो दरदरा कूटते हैं ना, पेस्ट बनाते हैं 3G पेस्ट, मैं वही उसी का ही तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि एक अप्पे करी में ये तो मैं डालूँगी ही, ये मस्ट है जी, ये बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट देता है। तो आप किसी भी खाने पे अगर आप गार्लिक खाते हो तो आप ये डाल सकते हो, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए, मेरा तो वो वाला पेस्ट हो गया। अब मैं एक को ना एक बाउल में ऐसे अंडे को फोड़ लूँगी। मैं ना 4 अंडे ली हूँ, आप अपना फैमिली का अकॉर्डिंग बढ़ा या क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या कमा सकते हैं। तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और उसके साथ लाल मिर्च पाउडर। ये 4 अंडे से इसको ना मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। तो मैं जो बोल रही थी, 4 अंडे से बहुत सारा अप्पे बन जाते हैं। तो चलिए, ये मैंने बीट कर लिया। अब अप्पे पैन मैंने ले लिया है, और इसको मैंने मतलब थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालूँगी। आप चाहे ना तो ग्रीस भी कर सकते हैं, मतलब ब्रश है ना, इसको ब्रश भी कर सकते हैं अच्छे से, हाँ तो भी चल जाता है। मेरा ब्रश ना पता नहीं कहाँ रह गया, मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो मैंने इस तरह से इसको ऑयल डाल लिया है, और एक चम्मच की मदद से एक सारे इसमें फिल कर दूंगी। और बाय द वे, आप लोग ना पूरा फिल मत कीजिएगा, हाफ हाफ फिल कीजिएगा। मेरा ना इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं ना चम्मच थोड़ा चेंज कर रही हूँ, बड़ा वाला चम्मच ले लिया, अब ठीक है। तो अप्पे ना आप जब फिल कीजिएगा तो पूरा मत फिल कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा मतलब आधा आधा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जब फूलेगा ना तो पूरा बाहर तक आ जाएगा। देखिए मेरा थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया, तो क्या हालत हो गया पैन का। एनीवेज, तो इस तरह से आप डाल दीजिए सारे, और थोड़ा सा एक साइड से हो जाए ना तो उसको पलट दीजिए इस तरह से। तो देखिए ये एक साइड से हुआ नहीं था, मैं जल्दी जल्दी पलट दिया, तो इसलिए ऐसा हालत हो गया। तो एनीवेज, देखिए कितना अच्छा हो गया है देखने में। मैं आपको मतलब बन जाए तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ऑलमोस्ट सारे अप्पे हो चुके हैं, मतलब एक साइड से, तो मैं इसको पलट दूंगी धीरे धीरे, तो दोनों साइड से ही ये हो जाएंगे और फुले फुले बॉल्स टाइप के हो जाएंगे। मैं आपको तो ये एक खाली हो गया था, उसमें मैंने थोड़ा सा अंडे और डाल दिया। तो ये देखिए इस तरह से गोल गोल सा बनता है, बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। ये देखिए कितना अच्छा फुली फुली अप्पे बनती है एक का। तो ये सारे मैंने बना लिया है, और ये ना एक यूनिक स्टाइल का एक करी है। आप थोड़ा सा एक से बहुत सारा करी बना सकते हो, तो बहुत सारा एग करी। तो मैंने यहाँ पे मीनवाइल कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई में डाल दिया सरसों तेल, और तेल गरम होते ही डाली हूँ मास्टर सीड्स मतलब राई, और उसके साथ करी पत्ता, और उसके साथ जो चॉप किया हुआ ऑनियन था वो वाला ऑनियन। ऑनियन को अच्छे से हम लोगों को भून लेना है, मतलब जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, इस स्टेज तक ना आ जाए, तब तक हमको भून लेना है ऑनियन को बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे ऑनियन भून जाने के बाद मैं डाल रही हूँ 3G पेस्ट। आप भी मतलब 3G पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे से मतलब फ्राई करना है, जब तक इसका रॉ स्मेल निकल ना जाए, मतलब जिंजर गार्लिक का जो रॉ स्मेल होता है वो निकल ना जाए, मतलब हट ना जाए, तब तक आपको इसको पका लेना है बहुत ही अच्छे से। तो ये पक चुका है ऑलमोस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। मैंने एक टमाटर को रफली चॉप कर लिया था, तो उसी को मैंने डालना है, और उसके साथ ही डाल दिया है नमक। नमक डालने से क्या होता है, ऑनियन जलता नहीं है और टमाटर जल्दी पक जाते हैं। तो यही इसका। तो चलिए, ये टमाटर मेरा पक चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है, तो मैं
पानी डाल के इसको पका लूँगी। पानी डालने से क्या होता है कि आपका अगर टमाटर गले भी ना, तो आप पानी डाल के ना इसको पका लीजिए, तो टमाटर का पूरा पेस्ट बन जाएगा और ऑनियन भी जलेंगे नहीं। तो बस इसको ढक्कन लगा के लो फ्लेम में 10-1 मिनट पका लेंगे। 10 मिनट बाद ये देखिए टमाटर ऑलमोस्ट मेरा पूरी तरह से ही गल चुका है। ये देखिए थोड़ा सा कसर बाकी है, वो गल जाएगा पकते मसाले पकते पकते, ये भी पक जाएगा। तो टमाटर ऑलमोस्ट पक चुका है, अब मैं इसमें मसाले कर लूँगी। मैं डालूँगी इसमें हल्दी का पाउडर, हल्दी 2 छोटे चम्मच हल्दी, 2 छोटे चम्मच हल्दी, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच तीखी वाली जो लाल मिर्च होता है, जो बहुत स्पाइसी होता है, वो वाला लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ। उसके साथ डाल रही हूँ मैं खूब सारा धनिया, मैं 4 छोटा चम्मच डाली हूँ, मतलब 2 टेबल स्पून धनिया आप डालिए इसमें ऐड कीजिए, क्योंकि धनिया ना डाइजेशन में बहुत सारा हेल्प कर देता है। और उसके साथ थोड़ी सी कसूरी मेथी, कसूरी मेथी के साथ भूनने से ना मसालों में टेस्ट भी अच्छा आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, और मतलब कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो एनीवेज इसको अच्छे से आप भून लीजिए। शुरुआती में ही पानी मत डालिएगा, क्योंकि कसूरी मेथी है। तो शुरुआती में मैंने पानी नहीं डाला, मैंने इसको हल्के आँच में मैंने इसको भून लिया थोड़ा सा। उसके बाद हल्के हल्के करके पानी डाल के, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसको भून लीजिए अच्छे से। मसाले भूनना चाहिए, मसालों का खुशबू आना चाहिए, तब तक उस स्टेज तक आप भूनिए जब तक मसाले आपका पक ना जाए। देखिए इस स्टेज में मेरा मसाला ऑलमोस्ट पक चुका है, अच्छे से पक चुका है, ऑयल रिलीज़ हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल डाल के इसको, और पकाना नहीं है, इसका ग्रेवी एडजस्ट करना है। एक बार में आप पानी मत डालिएगा, आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से एडजस्ट करके पानी डालिएगा। तो चलिए मेरा तो ये रेडी हो गया ग्रेवी, अब मैं इसमें ये जो सारे अप्पे हैं इसको मैं मिला दूँगी अच्छे से। ये देखिए अप्पे सारे मैंने मिला दिया इसमें। अब इसको स्पैचुला से हल्के हाथों से इसको स्टर देना है, ताकि ये सारे एग अप्पे हैं ये टूटे नहीं, और इसको थोड़ा सा पकने देना है, ताकि जो ये अप्पे हैं और ज़्यादा सॉफ्ट और फुली फुली हो जाए। आपको लग रहा है अगर ग्रेवी थोड़ा कम लग रहा है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, इट्स नो इश्यूज़, बट मेरे लिए ये ठीक है। मीडियम टू लो फ्लेम, हाई फ्लेम में मैं इसको ढक के 10-1 मिनट पका लूँगी। तो 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं मेरा एक अप्पे करी रेडी हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा स्टर दे दूंगी और इसमें मैं ऐड करूंगी धनिया की पत्ती, खूब सारी हरी धनिया, और आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, थोड़ा तीखी लाल मिर्च यूज़ की थी ना, तो मैं को ज़्यादा तीखा लग जाएगा। बस इसको हल्के हाथों से एक स्टर दे देंगे तो मेरा एक अप्पे करी रेडी हो गया। आप इसको रोटी पराठा पूड़ी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, आप चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं इसको। तो ये लीजिए एक अप्पे करी रेडी हो गया, नाउ इट्स रेडी टू सर्व। चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। हम इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, आप घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताने मत भूलिएगा। हम लोग का डिनर हो चुका है, मैं अभी आई हूँ किचन क्लीन करने, अभी रात का 10:30 हो रहा है। मैं अपना किचन का हाल आप लोगों को दिखा, थोड़ा बहुत साफ है, थोड़ा सा खाना वाना बच गया है, ये सारे फ्रिज में उठाना है और इसमें भी थोड़ा सा खाना बचा हुआ है, लेफ्ट ओवर हो गया है, तो ये सारे फ्रिज में उठाना है, और ये सारे थोड़ा बहुत बर्तन पड़ा हुआ है इसको क्लीन कर लूंगी मैं। तो यहाँ पे मैं आज ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, बहुत थक गई हूँ, और मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विच इज टिप्स फॉर इंडियन मॉम विद परमा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। फिर मिलते हैं एक फ्रेश ब्लॉग में कल, तो चलिए बाय बाय। और हाँ, ब्लॉग पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।